नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के रैकेट के 3 सदस्य गिरफ्तार। लगभग 15 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा। आधा दर्जन से अधिक नाम सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि बेरोजगारी के इस दौर में बेरोजगारों को सरकारी रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करने के संचालित गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और बेरोजगारों के शैक्षिक प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। मामला है हमीरपुर जनपद की मौदहा कोतवाली का, जहाँ के युवक शाहबाज खान ने बीते अगस्त माह में चंदौली निवासी इंतजार खान द्वारा उसके साथ करीब 3 लाख रुपए की साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल के निर्देश पर साइबर सेल और मौदहा कोतवाली पुलिस की टीम ने मामले के खुलासे के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया और शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर स्थित नारायच के निकट से अंकित त्रिपाठी, सूरज कुमार और इंतजार खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोगों की जानकारी भी मिली है जिन्हें इनके गिरोह द्वारा शिकार हो चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और बेरोजगार युवकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासबुक, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड और मोहरे तथा लैपटॉप बरामद हुए हैं, जबकि 2 युवक के खाते में करीब 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद सभी खातों की को सीज कर दिया गया है। मीरपुर पुलिस द्वारा विगत पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण की जांच की जा रही थी, जिसमें वादी द्वारा मुकदमा संख्या 356/22 थाना मौदहा में दर्ज कराया गया था। वादी के साथ 3 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था। उक्त जांच के क्रम में जनपदीय साइबर सेल ने और थाना पुलिस ने मिलकर जांच की, तो इस जांच में ये चीज़ प्रकाश में आई कि एक अभियुक्त इंतजार खान, उसके द्वारा इन व्यक्तियों से फ्रॉड किया गया। साथ ही उससे पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने एक संगठित गिरोह बनाकर, जिसमें उसके अलावा अन्य 5 लोग भी शामिल थे, विगत 3 से 4 वर्षों में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड किया है, जिसमें इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया है। ये लोग लोगों को सरकारी नौकरी देने के नाम पे उनके लिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर इशू करते थे, फर्जी एडमिट कार्ड इशू करते थे और साथ ही उनसे जो पैसा लेते थे उस पैसे को ये लोग अपनी अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए यूज़ करते थे और अपने ऐशो आराम में उसको यूज़ करते थे। तो इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको आज पुलिस ने अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत हेतु भेजा है और इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही इनकी जो भी अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई है उसको कुर्क करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या नाम दिया जा रहा है? गिरफ्तार करने वाली टीम को जनपद की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है और साथ ही मुख्यालय की तरफ से भी इनको शीघ्र ही इनाम घोषित किया जाएगा। इनके पास से एक SUV गाड़ी, नगद पैसे, 4 लैपटॉप, 13 मोबाइल फ़ोन्स, कई 100 इनके पास से फर्जी जो कागजात हैं, कई स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा आधार कार्ड, पैन कार्ड विभिन्न लोगों के बरामद हुए हैं और साथ ही इनके लैपटॉप में विभिन्न प्रकार के फर्जी लेटर पैड और तैयार करने के फॉर्मेट, ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग इस तरह से अवैध तरीके से दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेजों के दम पर ये पैसे बना रहे थे और एक गिरोह के रूप में लोगों को ठग रहे थे।